अभिषेक सोम। देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है, जो केंद्र की सरकार है उसको कानून बनाना चाहिए, कठोर कानून बनाना चाहिए। आप देख लीजिए गांव से लेके क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में सदस्यों की बिक्री होती है, वो ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। जिला पंचायत सदस्यों की बिक्री होती है, वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जिनका कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो पैराशूट हवा में उतर के कोई समाज सेवा का उनको तय भी नहीं पता और वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं। और रही चुनावी जवाब दे दीजिए राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दे दीजिए अभिषेक सोम जो कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी। नहीं, अभिषेक सोम जी भी जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनकी पार्टी में तो नेता बनने की योग्यता केवल इतनी है कि सैफई कुनबे में आपने जन्म लिया है और आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो गई है। हर व्यक्ति को इन्होंने लाल बत्तियों से नवाजने का काम किया था, तब तक लाल बत्ती प्रचलन में थी। तो ऐसे लोग कम से कम ज्ञान ना दे। देखिए लोकतंत्र में ये जरूरी नहीं है कि कौन कितना पढ़ा हुआ है, लोकतंत्र में लोगों के लिए संवेदनाएं आपके मन में है या नहीं है, ईमानदारी आपके मन में है नहीं है, आपका समाज सेवा करने का जज्बा आपके मन में है या नहीं है, और इन बातों के आधार पर जनता उसको परखने का काम करती है, जनता वोट करने का काम करती है। लेकिन सर ऑपरेशन न्यूटन तो ये बेनकाब कर रहा है ना कि जनता को जो अधिकार संविधान ने दिया है अपने नुमाइंदे को चुनने का, उसी में धांधली हो रही है ना। यहाँ तो वोट जो है वो बिक रहे हैं, उनके रेट कार्ड तैयार है, तोला जा रहा है, खरीदा जा रहा है, ये खेल जारी है लोकतंत्र को दागदार करने का। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।